हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नालीदार अंडरवेयर में साइड पॉकेट कैसे लगाते हैं। कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट किया था कि हमको पॉकेट लगाने की जानकारी बताइए, तो सो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि डोरी वाली यानी नाली वाली अंडरवेयर यानी चड्डी में साइड पॉकेट कैसे लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने एक कटिंग किया हुआ है एक अंडरवेयर की, ये पट्टीदार है आप देख सकते हैं, तो कटिंग का भी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहां से सीख सकते हैं। तो जैसा कि वैसे तो अंडरवियर दो पार्ट में बनता है, तो इसमें अगर आपको साइड पॉकेट लगाना है तो आपको इसमें चार पार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम आपको पॉकेट लगाना बताएंगे, साइड पॉकेट। जैसा कि आप दोनों साइड लगा सकते हैं या आप चाहे तो एक सिंगल एक ही साइड में लगा सकते हैं। तो जैसा कि ये पॉकेट का कपड़ा है, पॉकेट कपड़ा हमने 14 इंच इसकी चौड़ाई रखा हुआ है, तो और इसकी लंबाई जो है वो 14 इंच इसकी लंबाई भी हमने रखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसको कटिंग करके इस तरह थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। अभी इस तरह हमने राउंड कर लिया आप देख सकते हैं, और ऐसा जॉइंट हुआ हुआ है। अगर आपके पास मैचिंग कपड़े हैं तो मैचिंग लगाएं, नहीं तो आप कोई भी कपड़ा पॉकेट के लिए लगा सकते हैं। तो जैसा कि इसमें सामने से हाथ जाएगा, जैसा आपकी पॉकेट और पैजामे में पॉकेट लगता है, तो हमने निशान लगाया है नीचे फोल्ड करके। अभी आप इसमें कोई फोल्ड नाड़ी के लिए अभी आपको फोल्ड नहीं करना है। सबसे पहले आपको पॉकेट तैयार कर लेना है, फिर आपको नाड़ी वाला पोस्टर बनाना है। तो जैसा कि आप जितना आप नाड़ी के लिए फोल्ड करेंगे उतना पहले आप इसमें ऐसा निशान लगा लें, इस तरह से ऐसा निशान लगा के आप यहाँ एक हल्का सा कट मार लें, निशान बना लें। अब चूँकि पॉकेट यहाँ से आपको 2 इंच नीचे लगाना है यहाँ से, तो ताकि ये आपका जो पॉकेट का कपड़ा है, कभी भी आप इतने साइड में पॉकेट लगाएं कि ताकि आपका जो ये सिलाई वाला जो कपड़ा है नाड़ी वाला जो फोल्ड होगा इसमें पॉकेट के अंदर इसमें पकड़ कर रखेगा, नहीं तो ये इधर उधर होने लगेगा। इसलिए आपको इतना ही ऊपर लगाना है ताकि ये कपड़ा फोल्ड करने वक्त इसमें पकड़ ले। तो चलिए इस ब्रश से हम इसको शुरू करते हैं ऐसे ही। तो जैसा कि पॉकेट आपको लेफ्ट राइट और साइड राइट का दोनों साइड का बनाना पड़ेगा, तो चूँकि ये हमने मतलब ये बाएं साइड का पॉकेट बना रहा दाहिने साइड का पॉकेट बना रहा हूँ, तो जैसा कि ये सीधा कपड़ा है, ये वाला सीधा भाग है और ये उल्टा वाला भाग है, तो आपको सीधे साइड से पॉकेट लगाना है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। आप हमने आपको बताया यहाँ इसमें पकड़ना चाहिए, तो थोड़ा इसको पॉकेट को यहाँ ऊपर रखें और यहाँ इसको बराबर रखें, और ये जो फोल्ड होगा इसको आप थोड़ा सा नीचे घुमा लें इसको, जितना आपको सिलाई जो मुंह बंद करने के लिए सिलाई लगाया जाएगा, तो इस तरह से आप इसको नीचे लगा लें। अब यहाँ से इसको इस तरह से एक दाब की सिलाई आपको मार लेना है इस तरह से। तो जैसा कि हमने इसमें सिलाई मार दिया है आप देख सकते हैं, अब इसको हमको इस तरह से ऐसा करके फोल्ड नाखून मार लेना है, ऐसा नाखून मार देंगे। अब यहाँ हमको क्या करना है कि हमने यहाँ 2 इंच निशान जो लगाया है आपको दिखाया हमने, तो 2 इंच का आपका निशान, अब यहाँ से आप पॉकेट का मुंह खोलने के कितना 6 इंच, अगर अब मोटे आदमी के लिए है तो आप 6.5 इंच भी खोल सकते हैं, नहीं तो आप 6 इंच। अब इसको नीचे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ से हमने ये निशान लगाया हुआ है यहाँ से आपको सिलाई मारना है एक दाब की। याद रखें पॉकेट उसी साइड में लगता है जहाँ मियानी आपको मियानी तो इस साइड में लगेगा और ये सेंटर वाला साइड में है, पॉकेट इसी साइड में लगेगा। तो आपको इसको यहाँ से एक दाब की सिलाई मारना है इस तरह से, सिलाई आपको ऊपर तक मार लेना है ऐसे इस तरह से। अब जैसा कि हमने इसमें सिलाई मार दिया है, अब आपको इसी साइड वाला दूसरा पल्ला लेना है, ये रहा दूसरा पल्ला। अब इसमें ऊपर नीचे वाला भाग देख लें कि कौन सा ऊपर वाला भाग है कौन सा नीचे, तो इसके लिए आपको इस पल्ले को ऐसा लेना है, इसको ऐसा नीचे रख लेना है और ये पॉकेट ये ऊपर ऐसा रखना है ऐसा। अब आपको ध्यान देना है जितना आप यहाँ से कपड़ा यहाँ से नीचे आप लगाए हैं उतना ही यहाँ भी नीचे पॉकेट रहेगा। अब यहाँ से ऐसा रख करके आप निशान लगा लें यहाँ, और फिर इसके ऊपर आप पॉकेट वाला कपड़ा रखें ऐसा, और इस तरह से। अब ये जो भाग हमने नीचे फोल्ड किया था, अब इसको आपको ऊपर फोल्ड करना है थोड़ा सा, तो यहाँ बराबर रख कर के आपको यहाँ से एक सिलाई मारना है
इसको इस तरह से ऐसा आप देख सकते हैं, ऐसा हमने इसमें सिलाई मारा। अब इसको हमने इस तरह से मार दिया। अब इसको हमको इस तरह से इसको ऐसे इसको फैला लेना है, और ये जो सिलाई है इसको ऐसा नाखून मार लें, और ये थोड़ा सा जो फोल्ड हुआ है ये ऊपर साइड रहेगा। अब फिर इसको आप ऊपर से एक सिलाई मारना है यहाँ पर। अगर आपका ये किनारी पल्ला है तो किनारी सिलाई नहीं है तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके मारेंगे, ताकि ये जो सूते निकलेंगे वो निकलेंगे नहीं। तो आप इस तरह से इसको सिलाई मार लें पूरी अच्छी तरह से। अब ऐसे हमने सिलाई मार दिया। अब इसको हमको क्या करना है, ये जो भाग है इसको इसको ऊपर इस तरह से रखना है। ऐसा आपको यहाँ मिला लेना है बरोबर, ऊपर से नीचे तक ये कपड़ा यहाँ बरोबर मिलाना है। और ये जो सिलाई आपने ऊपर मारा है इसी के ऊपर इसको रखना है इस तरह से। और सबसे पहले आपको यहाँ जो निशान लगाए हैं आप यहाँ सिलाई मार लेना है, जो पॉकेट का 2 इंच हमने निशान बताया था आपको, यहाँ से आपको यहाँ सिलाई मारना है इस तरह से। और इसको ऊपर वाला ऊपर तक मारते चले जाइए इस तरह से। अभी हमने ऊपर मार दिया, ये ऊपर वाला भाग हो गया। अब यहाँ से आपको 6 इंच छोड़ना है, ऐसे इसको रखना है, और धागे को अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसको यहाँ मिला लेना है इस तरह से ऐसे। अब ये 6 इंच हमने यहाँ निशान लगाया हुआ है, तो यहीं से हमको फिर इसको सिलाई यहाँ से हमको नीचे पकड़ कर नीचे तक मारना है इस तरह से। 2-3 बार यहाँ रिवर्स करें ताकि पॉकेट का मुँह खुले नहीं कभी। अब इसको नीचे कपड़ा रख करके ये ऊपर वाले भाग में इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेना है, ऐसे ऊपर से नीचे तक आपको सिलाई मारते चले आना है बराबर करके। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ 6 इंच हमने इसको पॉकेट का मुँह खुला हुआ रखा हुआ है, इस तरह से हमने 6 इंच रखा हुआ है। अगर मोटे आदमी है तो उनके लिए आप 6.5 इंच रख सकते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, इस पॉकेट का मुंह बंद कर देना है। यहाँ से सिलाई हमने फोल्ड करके ऐसा अंदर बताया था, पॉकेट का मुंह इस तरह से आप बंद कर देंगे तो आपका पॉकेट ये बन जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको सिलाई मार दिया इस तरह, और ये अब पॉकेट बन गया। अब इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसा, ये दाहिने साइड का पॉकेट हो गया। अब बाएं साइड का भी आप इसी तरह पॉकेट बन। अब आपको क्या करना है कि अब नाड़ी के लिए आपको फोल्ड करना है, तो इसके लिए नाड़ी आपको अंदर साइड फोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इसको नेफा भी बोला जाता है, अगर पॉकेट नहीं होता तो इसको बाहरी साइड में फोल्ड किया जाता है। इस तरह से आप ऐसा फोल्ड करेंगे और इस तरह से ऐसा इसको नाड़ी के लिए आप फोल्ड कर सकते हैं। अब इस चूँकि क्या है, क्योंकि पॉकेट लग गया है, अगर आप इसको ऊपर साइड मोड़ेंगे तो ये पॉकेट का जो है पॉकेट इस ऐसे इस साइड और इस साइड होता रहेगा। तब इसको हमको इसी नाड़ी के कपड़े में इसको फोल्ड इसको अटैच कर देना है इस तरह से ऐसा। तो इसको नेफे के लिए अब क्या करना है, आपको अभी भी नेफा नहीं मोड़ना है, आपको जब पहले सबसे पहले नीचे वाला पट्टी मोड़ देना है। ये नीचे वाली पट्टी मोड़ना है, नीचे वाली पट्टी मोड़ने के बाद में फिर आपको मियानी लगा लेना है। और इसका जो स्टिचिंग अगर आप पता नहीं है तो हमने वीडियो बनाया हुआ है, हम इसको आपको बता देंगे, आप वहां से सीख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल हमने पॉकेट लगाने की जानकारी आपको दिया है, तो आप पॉकेट इस तरह से साइड पॉकेट लगा सकते हैं, तो बड़ी आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसी साइड से दूसरा साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ। अगर आपको सिलाई सीखना है तो हमसे जुड़ना है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।